लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई है और इसके साथ ही स्पीकर पद को लेकर अब चुनाव होगा। ओम बिरला एनडीए तो के सुरेश विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे। आजादी के बाद देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। स्पीकर पद के लिए लोकसभा में कल यानी कि 26 जून को चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट हैं। राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। वो भाजपा के पहले ऐसे सांसद होंगे जो लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पद संभालेंगे। अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दरअसल बलराम जाखड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार दो बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। इनके अलावा जीएमसी बालयोगी और पीए संगमा जैसे नेता दो बार लोकसभा अध्यक्ष तो बने लेकिन 5-5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपने तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा और इसीलिए हमने अपने तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। लड़ाई देश को बताने की है कि विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है और जिस आशा के साथ देशवासियों ने विपक्ष को जिताया, आशीर्वाद दिया, उसी आशीर्वाद के साथ हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। देखिए, इस प्रकार की बातें हम पिछले 10 साल से सुनते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष पर उंगलियां उठाता है। ये जब उनके 300 सांसद थे तब भी ये था, आज उनके 300 से कहीं सांसद कम हो गए हैं तभी भी वही रवैया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का रवैया पहले जैसा ही है। कल के भाषण में भी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर की बातें की लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं किया। गर्मी से कितने लोगों की हुई उसका जिक्र नहीं किया। नीट नेट सीओईटी से कितने बच्चे परेशान है उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू में जो हिंसा हुआ, उत्तर पूर्वांचल में जो बाढ़ हुई, विभिन्न जगहों पर जो पुल टूट रहे हैं, सभी का जिक्र नकारते हुए उन्होंने देश के वर्तमान की जो सबसे बड़ी मुद्दे हैं, समस्या हैं, उनको नकारा है। तो ये जो अहंकार का जो उनका स्वभाव है वो उसको हमें तोड़ना है। देशवासियों ने हमें बल दिया है और इस अहंकार को हम आने वाले समय में और तोड़ेंगे। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल, जीत सुनिश्चित है अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। ऐसा है, लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है, उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए पर वो किधर व्यस्त थे तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता
और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता।